आठ आठ वो अशोक वृक्ष छत्र चामर पुष्प वृष्टि सतत होती रहती है कंटिन्यूअस, दिव्य ध्वनि चलती रहती है, तीन छत्र आ गया, देव दुंधुवी ढोल नगारा, ढोल नगारा बजता है, ना ना दिव्य ध्वनि એટલે ભગવાનના હૃદયમાંથી તરંગ નીકળે એનું નામ દિવ્ય ધ્વનિ. હમણાં તમે જે સાંભળી રહ્યા છો એ હું બોલું છું એ સાંભળો છો, પણ અંદરથી જે તરંગ આવે છે ભગવાનના હૃદયમાંથી એ દેખાતા નથી, પણ તમને અસર કરે છે. અસર શું કરે છે? તમને અહીંયા ઉઠવાનું મન નથી થતું. એ કેના આધારે? દિવ્ય ધ્વનિના આધારે. નહીં તો આવા પ્રવચનો તો તમે ઘણી વાર સાંભળ્યા છે, કલાક પછી મન ઉઠી જાય. તો આ દિવ્ય ધ્વનિ જે છે સાયલેન્ટ છે, એ તમારી અંદર જાય છે, તમારા હૃદયમાં, ભગવાનના હૃદયથી તમારા હૃદયમાં જાય, ત્યાંથી ભગવત્વનો ઉદય થાય. તો દિવ્ય ધ્વનિ દુંધુભી, દુંધુભી ક્યાં કરતા હૈ? લોકો કો ઇકઠા કરતા હૈ, જમા કરતા હૈ. કલ બાત હુઈ થી ના દુંધુભી, દેવ દુંધુભી બજાતે હૈ, ચામર ઢાલતે હૈ, દુંધુભી બજાતે હૈ, પુષ્પવૃષ્ટિ કરતે હૈ. યે સબ એટ્રેક્શન હૈ જગત કે લિયે, ઓર જગત કો બતાને કે લિયે કે હમારે યે ભગવાન હૈ, અરિહંત પરમાત્મા હૈ, શોક રહિત હૈ, તીન લોક કે છત્ર સમાન હૈ, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન, સમ્યક ચારિત્ર સ્વરૂપ, ભામંડલ હૈ ઉનકે મુખ કે પીછે, ભામંડલ હૈ. ભામંડલ ક્યા હૈ? જ્ઞાન કા પ્રકાશ હૈ કે યે યે હસ્તી જો હૈ અશોક શોક રહિત હૈ, તીન લોક કે નાથ હૈ, છત્ર હૈ, ઉનકે અંદર સે ભામંડલ યાને માથે કે પીછે ગોલ ચક્ર હોતા હૈ, ચકચકિત સૂર્ય જૈસા હોતા હૈ. વો ક્યા બતાતા હૈ કે સૂર્ય જૈસે પ્રકાશિત જ્ઞાન ઇનકે અંદર પડા હુઆ હૈ. એસા દુનિયા કો બતાને કે લિયે દેવ દેવિયાં એસે અષ્ટ પ્રતિયારિય નિર્માણ કરતે હૈ. તો અશોક વૃક્ષ ઉગ્યા, તીન છત્ર હો ગયા, ચામર હો ગયા, તીન હુઆ, પુષ્પવૃષ્ટિ ચાર, દેવ દુંધુભી પાંચ, દિવ્ય ધ્વનિ છ, સિંહાસન સાત, ભામંડલ આઠ. તો એસે એસા ઐશ્વર્ય ઓર ગુણ સમૂહ ભગવાન કે અંદર હૈ. કેવલ જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, ગુણ કા સમૂહ, પુણ્ય, પુણ્ય હૈ તો કરોડો જીવ આ રહે હૈ, ઉનકે પીછે દોડ રહે હૈ, કઈ લોગ ઉનકે સાથ દીક્ષા લે લેતે હૈ, હજારો કી સંખ્યા મેં દીક્ષા લેતે હૈ લોગ. યે જો અષ્ટ પ્રતિહાર્ય હૈ વો પુણ્ય ભી હૈ, સત્વ ભી હૈ, ઓર પ્રભાવકારી ભી હૈ. તો ઉનકા નામ સ્મરણ કરશે ક્યા મિલેગા? હા, અવગુણ ઓર ગુણ
दोनो अब गुणगान क्या करते उसके ऊपर है। ऐसे भी लोग थे उस जमाने में कि जो भगवान का अवगुण गाते थे, मालूम है ऐसे लोग होते हैं। अच्छे लोग जो भी होते हैं ना उसके पीछे उसके मशहूर करने वाले होते हैं लोग। तो ऐसे अतिशयी वाले एक्स्ट्रा स्पेशल वाले अरिहंत परमात्मा यानी तीर्थंकर परमात्मा को मैं भाव से वंदन करता हूँ। ऐसे भाव से ऐसे अतिशयी वंत वाले भगवान को जब वंदन हम स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, समर्पण करते हैं, तो हम भी उसके जैसे बनना उस समय से शुरू हो जाते हैं। ऐसा यहाँ बताए पहला स्थानक यानी के तीर्थंकर परमात्मा के गुणगान करने से, अष्टप्रतिहारी के गुणगान करने से अरिहंत परमात्मा हमें अरिहंत बनाते हैं, उनके जैसे बनाते हैं। तो वापस एक बार ये गाते हैं तो अपने को स्मरण होगा। गाओ जी ज्ञान नु ऐश्वर्य नु गुण समूह नु अंतिम चरण जी ज्ञान नु ऐश्वर्य नु गुण समूह नु अंतिम चरण वड़ी पुण्य सत्व प्रभाव ने करुणा तणु वे तू झरण वड़ी पुण्य सत्व प्रभाव ने करुणा तणु वे तू झरण पड़ पड़ रहो मुझ हृदय मावित राग एक तारु स्मरण पड़ पड़ रहो मुझ हृदय मावित राग एक तारु स्मरण अरिहंत अतिशयवंत तुझने भाव थी करू वंदना अरिहंत अतिशयवंत तुझने भाव थी करू वंदना भाव थी करू वंदना मारा कर्मोनी निकंदना भाव थी करू वंदना मारा कर्मोनी निकंदना अरिहंत अतिशयवंत तुझने भाव थी करू वंदना अरिहंत अतिशयवंत तुझने भाव थी करू वंदना। तो इस प्रकार ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान और गुण समूह वाले पुण्यवान सत्ववान प्रभावकारी जो ऐसे वितरा को हृदय में धारण करके उनका नाम स्मरण करता है उसको भगवान यहाँ कहते हैं कि अरिहंत जैसे जितनी भाव की तीव्रता होगी वैसा परिणाम जल्दी आएगा और गहरा आएगा, जितना टाइम ज़्यादा लगाओगे उतना परिणाम लेट आएगा।
आगे बताते हैं तो पहला स्थान, पहला मेथड, स्थान यानी मेथड, अरियन बनने की 20 मेथड है। इसमें से पहली मेथड क्या है कि ऐसे गुणगान, प्रभु के गुण, ऐश्वर्य, गुण समूह, पुण्य, सत्व और प्रभाव के बारे में बातचीत करना और उसकी अनुमोदना करना। तो ऐसे अनुमोदन करने से हम स्वयं अरिहंत बन सकते हैं। तो पहला मेथड है अरिहंत परमात्मा के विविध प्रकार से गुणगान करना, भक्ति कीर्तन भजन करना, अरिहंत 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 करके। तो जो एक बाजू ज्ञान से भरे हुए भगवान है और दूसरी बाजू हम है, ऑर्डिनरी पर्सन, तो हम जैसे जैसे इनके पुण्य और गुणगान और गुण समूह और सत्व प्रभाव और पुण्य के बारे में गुण कीर्तन करेंगे तो वैसे वैसे गुण हमारे अंदर प्रकट होना शुरू होगा। तो हम ये गुण कीर्तन क्यों करने बैठे, क्योंकि हमारे अंदर भी इस प्रकार के गुण के विकास हो, इसीलिए हम ये पहली मेथड है अरिहंत बनने की, जो आसान से आसान मेथड है कि अगर हमें अरिहंत बनना है तो उनके गुण की प्रशंसा करनी है। तो उनके गुण की, जिसके गुण की हम प्रशंसा करेंगे वैसे हम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसीलिए पहला मेथड है, मेथड को यहाँ स्थानक बताया है, स्थानक शब्द का उपयोग किया है। तो कई लोग ये 20 स्थानक का तप करते हैं, उसमें 20 उपवास करते हैं, 20 माला गिनते हैं, 20 साथिया करते हैं और क्या क्या करते हैं, रेखा जी के? हाँ, उपवास नहीं बोले, आए मिल करें 20 आए मिल करें बीजू से। तो वास्तव में क्या करना है, अगर अरिहंत बनना है तो, अरिहंत बनना है तो भगवान के केवल ज्ञान, ऐश्वर्य, गुण समूह, पुण्य, सत्व, प्रभाव, उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। अभी जैसे हमारे सिमंदर स्वामी भगवान है, उसके 1800 करोड़ भक्त है, कितने हैं 1800 करोड़, तो उनका प्रभाव हो गया ना, 100 करोड़ साधु साध्वी यानी 200 करोड़ हो गए और 10 लाख केवल ही भगवंत हो गए उनके अंडर में, तो उनका कितना प्रभाव है अपनी आज की इस धरती पे, उसका 1% वाला भी गुण वाला नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ उसके गुण गाओ। आगे दूसरा मेथड क्या है, अरिहंत बनने का दूसरा मेथड क्या है, जे मुक्त छे आ जगतना भौतिक सकल बंधन थकी, जे मुक्त छे आ जगतना भौतिक सकल बंधन थकी, जे मुक्त छे भूत भावी सांप्रत कालना स्पंदन थकी, जे मुक्त छे भूत भावी सांप्रत कालना स्पंदन थकी, कर्मो थकी काया थकी बनी मुक्त कार्य सकल थकी,
કર્મો થકી કાયા થકી બની મુક્તકાર સકલ થકી સુવિશુદ્ધ સુખ ભોક્તા અનંતા સિદ્ધને કરું વંદના સુવિશુદ્ધ સુખ ભોક્તા અનંતા સિદ્ધને કરું વંદના. તો પહેલે અરિહંત કે ગુણગાન ગાય, અબ સિદ્ધ પરમાત્મા કે ગુણ ગાતે હૈ. સિદ્ધ વો હોતા હૈ, અરિહંત વો હોતે હૈ કે વો ઐશ્વર્ય વાલે હૈ, અપને જૈસે ઇન્સાન થે ઉસમે સે વો રાજા બને, રાજકુંવર બને પહેલે, ઉસકે બાદ રાજા બને ઓર ઉસકે બાદ અરિહંત બને. ઓર ઇસમે ક્યા હૈ સિદ્ધ પદ મે કે અરિહંત બનને કે બાદ આગે ક્યા હૈ? તો આગે મેં બોલતા હૈ કે જો મુક્ત છે જગતના ભૌતિક સકલ બંધન થકી, ઇસ જગત કે જીતને ભી બંધન બાંધનો હૈ બાંધ લો, ઉસકો કુછ નહીં હોને વાળા. એસી તો જગત કે જીતને ભી બંધન હૈ, કર્મ બંધન, સંબંધો કે બંધન, શરીરો કે બંધન, પ્રાણો કે બંધન, એ સારે બંધન સે મુક્ત હૈ અરિહંત પરમાત્મા, અરે સિદ્ધ પરમાત્મા. ઓર उनको भूतकाल, वर्तमान काल, ऐसा कोई काल उनको नड़ता नहीं है. सिद्ध परमात्मा को कोई काल टच नहीं करता और ना कोई भौतिक बंधन हमारे जैसे लोग हैं उसे कितनी जात के भौतिक बंधन है, लेकिन सिद्ध परमात्मा को किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है. कर्मों थकी काया थकी बनी मुक्त कार्य सकल थकी, कर्मों से भी लज्जित है. કર્મો થકી કાયા થકી બની મુક્ત કાર્ય સકલ થકી સુવિશુદ્ધ સુખ ભોગતા અનંત સિદ્ધન કરું વંદના. तो सिद्ध पद के अंदर बंधन की बात करते हैं, अरिहंत पद के अंदर गुणों की बात करते हैं. कर्म बंधन की बात की, शरीर के बंधन की बात की, भूत भविष्य वर्तमान की बात की, काया की बंधन की बात की. तो ये सारे बंधन से जो मुक्त है और ऐसी अवस्था जिसने ग्रहण की है, पाई है અસંગ અવસ્થા અનંત કાલ કે લીએ સુવિશુદ્ધ સુખ ભોગતા અનંતા સિદ્ધને કરું વંદના. તો વિશુદ્ધ દશા મેં, શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ મેં જો હમેશા રહેતે હૈ, સારે બંધનો સે મુક્ત હોકર એસી અવસ્થા જો જિસકી હૈ, ઉસકે ગુણ કીર્તન, ઉસકે ગુણગાન કરતે 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 हमारे कर्म की निर्जरा होती है.
और ऐसे बार बार वंदन करने से, बार बार अरिहंत परमात्मा के गुण 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 गान गाने से, आज दसवा दिवस है, हम लोग क्या कर रहे हैं ये दोपहर के सत्र में? गुण गान कर रहे हैं।